झारखंड के बोकारो में शनिवार सुबह मुहर्रम के जुलूस में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कुल 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। इसके अलावा 4 लोगों की कथित तौर पर मृत्यु हो चुकी है, वहीं 9 लोगों की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार यह घटना खेतको में सुबह करीब 6 बजे हुई। इस दौरान सभी लोग मुहर्रम में ताजिया लेकर जा रहे थे, तभी ये 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गए थे। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए DVC अस्पताल बोकारो थर्मल भर्ती कराया गया। प्रशासन को भी जानकारी मिलते ही पिटरावर थाना पुलिस तथा बोकारो थर्मल पुलिस प्रशासन पहुंच गए। बोकारो के पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने बताया कि राज्य की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर पिटरावर पुलिस थाना क्षेत्र के खेतको गांव में एक धार्मिक झंडे के बिजली की तार के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ है।